नमस्कार पेरेंट्स पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। बच्चों को हमारे खेलना कैसे सिखाएं दूसरे बच्चों के साथ, ये एक चीज़ है जो सिखानी पड़ती है हमारे बच्चों को। प्ले स्किल्स आर अ वेरी इम्पोर्टेंट सोशल स्किल। दूसरे बच्चों के साथ कंस्ट्रक्टिवली खेल पाना एक बहुत ज़रूरी सोशल स्किल है बचपन का। बहुत पेरेंट्स आके मुझे ये बोलते हैं कि मैम, जब हमारा बड़ा बच्चा भी ऑटिज़म से पीड़ित है, जब इसका छोटा भाई या बहन हुआ, उसके बाद बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आया, उसके साथ वो सीख रहा है। ये होता है जो एक बच्चे का इन्फ्लुएंस है दूसरे बच्चे पे, वो अडल्ट कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। बहुत बार बच्चा माँ बाप के साथ खेल रहा है, घर के अंदर खेल रहा है, सो वो प्लेइंग विद एन अडल्ट इज नॉट द सेम एज प्लेइंग विद अ चाइल्ड। अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना और बड़ों के साथ खेलने में बहुत अंतर होता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए बेस्ट थेरेपिस्ट होता है, उससे बहुत कुछ सीखता है बच्चा, इसलिए प्ले टाइम ज़रूरी है। कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जो बड़ों के साथ खेल लेते हैं, अपने से बड़े एज ग्रुप के साथ बहुत इन्वॉल्व होके खेलते हैं, लेकिन सेम एज ग्रुप के साथ नहीं खेलते। बड़े बच्चे खेल रहे हैं, उनके पीछे पीछे जाएंगे, लेकिन अपने एज ग्रुप सेम लेवल के बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहते। इसका कारण ये है कि सेम एज ग्रुप में हमको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, इनिशिएशन लेना पड़ेगा, शुरुआत कभी कभी करनी पड़ेगी। बट जब आप बड़े एज ग्रुप के बच्चों के साथ हैं तो वो खुद से आते हैं, वो खुद से आपको चीज़ें ऑफर करेंगे, आपको कंफर्टेबल करेंगे, आपको प्यार करेंगे, लाड करेंगे, तो यू फील वो इनिशिएशन आपको बच्चे को हमारे लेना नहीं पड़ता। इट्स नॉट कि हमारा बच्चा खेलना नहीं चाहता, खेलना चाहता है, लेकिन उसको इनिशिएट करना नहीं आता। बहुत बच्चों को कम्युनिकेशन नहीं है, वर्बल नहीं है, या उतना अच्छा वर्बैटम नहीं है, इसलिए वो इनिशिएट नहीं कर पाते, इसलिए हम उम्रों के साथ नहीं खेलते। बड़े बड़ों के साथ खेल लेते हैं, अपने भाई बहन के साथ खेल लेते हैं, क्योंकि वो लोग इनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा समझदार हैं, मैच्योर हैं, और वो इनिशिएशन ले लेते हैं, राइट? तो प्ले स्किल सिखाना पड़ता है, जैसे बाकी चीज़ें सिखा रहे हैं, स्पीच सिखा रहे हैं, बैठना सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, वैसे खेलना भी सिखाना पड़ता है, राइट पेरेंट्स? सो कैसे सिखाएं, क्या करें? अब प्ले का भी ना दो टाइप के प्ले होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट प्ले, कि बच्चे को हमने खिलौना दे दिया और बच्चा उससे सही तरीके से खेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसको अगर मैंने ब्लॉक्स दिया तो वो बराबर उससे कुछ टावर या घर या वैसा कुछ बना रहा है। बहुत बार ये होता है कि जब हम अपने बच्चे को एक मी टाइम देते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम मी टाइम देना चाहिए, वो प्ले टाइम के जगह स्टिमिंग टाइम बन जाता है। बच्चे को मैंने कुछ खेलने को दिया, उसने सही तरीके से ना खेल के मैंने उसको लीगो ब्लॉक्स दिए, तो उसने एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक अरेंज करके एक लंबी सी ट्रेन बना दी। विजुअल स्टिमिंग कर रहा है वो, है ना? मैंने उसको बीड्स दिए कि बच्चे धागे में चलो बीड्स डालो खेलो, वो पता चला धागे को ऐसे ऐसे घुमा रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्ले टाइम, इंडिपेंडेंट प्ले टाइम, सेल्फ प्ले जिसको बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है स्टिमिंग में। इसलिए वहाँ भी कुछ समय के लिए बैठ के करवाना पड़ता है, फॉर सम टाइम, फॉर अ फ्यू डेज, हमको उसको कंस्ट्रक्टिवली वो चीज़ करवानी पड़ती है कि देखो लीगो है तो ये एक के ऊपर एक इस तरह से लगेगा। लीगो से एक पहले स्क्वायर आउटलाइन बनाओ, फिर उसके ऊपर ब्लॉक्स लोड करके दीवार बनाओ, ऐसे घर बनेगा। ये उसको 15-20 दिन महीना भर प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर वो इस मतलब ये समझ के बाद
फिर उसको इंडिपेंडेंटली हम खेलने के लिए दे सकते हैं. मतलब इंडिपेंडेंट प्ले टाइम में भी मैं ये नहीं कह रही कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 24 घंटा बच्चे के पीछे लगे रहें, लेकिन कैसे खेलना है किसी खिलौने के साथ ये सिखा के फिर उनको उस खिलौने के साथ इंडिपेंडेंट प्ले टाइम दीजिए, राइट? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. दे नीड टू बी सुपरवाइज्ड, पहली चीज. सो दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट सेल्फ प्ले, फ्री प्ले. नेक्स्ट इज सोशल प्ले, जहाँ आप एक गार्डन में जाके और बच्चों के साथ खेल रहे हैं, राइट? अब गार्डन में जब लेके जाएंगे क्या करना है? जब आप उतरते हैं अपने घर से, आपके प्ले एरिया में जाते हैं, गार्डन में, नीचे बिल्डिंग में, जहाँ भी खेलता है बच्चा, पहले वहाँ जितने अडल्ट्स बैठे हैं, बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, चौकीदार है, मेड्स घूम रही हैं, चलो सबको नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते, आँख में देखो, नमस्ते. नहीं कर रहा बच्चा, ठीक है हम कराएंगे, 10 लोग बैठे, 10 बार चलो जाओ अंकल के पास, हाथ जोड़ो, चलो चलो देखो देखो, नमस्ते. बच्चा वर्बलाइज नहीं भी करता फिर भी उसका हाथ पकड़ पकड़ के नमस्ते 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 नमस्ते, जितने लोग बैठे हैं सबको नमस्ते आप बड़े लोगों को करेंगे, फर्स्ट स्किल, ठीक है. नंबर 2, हमारे बच्चे को एक, जैसे एक शैडो टीचर होती है ना स्कूल में, जो बच्चे को सिखाती है इंडिविजुअली कि क्या करना है हर ग्रुप, अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी है तो तुम्हारा क्या रोल है, वैसे ही हमारे बच्चों को एक शैडो प्लेमेट चाहिए. चाहिए आप ये सोचो कि मैं अपने बच्चों को और 10 बच्चों के बीच में बैठा दूं तो वो उनसे सीख लेगा, तो एक ऑटिज्म का बच्चा नहीं सीखेगा. वो अपना एक कॉर्नर, एक कोना पकड़ के अपने तरीके से चीज़ों को करेगा, ना कि उस ग्रुप में. तो पेरेंट्स स्कूल भेजने की बात करते हैं कि मैम वहाँ जाके दूसरे बच्चों से सीख लेगा, नहीं होता ऐसा. हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है सिखाने के लिए, एक सुपरविजन लगता है. सो दे नीड अ शैडो प्लेमेट, जो आप ही हो सकते हैं. इट हैज़ टू बी या तो पेरेंट्स या कोई एल्डर सिबलिंग. मैं अपने भाई की शैडो प्लेमेट थी. माई ब्रदर हैज़ डाउन सिंड्रोम. मैं जानती हूँ कि मैं जो खेलती थी, अगर कोई मेरे भाई को नहीं खिलाता था, मैं वो गेम, मैं उस गेम का हिस्सा नहीं होती थी. आई वॉज ट्रेंड सो. मेरी माँ ने मुझे ऐसा ट्रेन किया था कि करना है तो शक्ति के साथ करना है. तो चाहे मैं हाइड एंड सीक खेल रही हूँ, चाहे मैं चेन चेन खेल रही हूँ, मुझे अभी भी याद है कितने लोगों से मेरा झगड़ा होता था, मेरे फ्रेंड्स से, क्योंकि वो मेरे भाई को नहीं खिलाते थे. मैं लिटरली उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसे खिलाती थी. आई वॉज दैट शैडो प्लेमेट फॉर माई ब्रदर. हमारे बच्चों को एक नॉर्मल ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उनको समझने में टाइम लगता है, उनके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं. अगर ऑटिज्म है तो बच्चा स्टिम करने लग जाता है, उनको रूल्स नहीं समझ आते. सो वो शैडो प्लेमेट कोई अपना ही हो सकता है, जो उस प्ले को प्रायोरिटी ना दे, अपने उस फैमिली मेंबर को प्रायोरिटी दे. मेरे लिए प्ले बहुत रेयरली प्रायोरिटी होता था. मेरे लिए प्रायोरिटी ये होती थी कि मेरे भाई को खिला रहे हो कि नहीं, नहीं खिला रहे तो मैं भी नहीं खेल रही, जाओ, राइट? एंड ये चीज़ मुझे बहुत बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि अगर मुझे अपने साथ औरों को इन्वॉल्व करना है मेरे भाई को खिलाने के लिए, तो मुझे उन्हें ल्योर करना पड़ेगा. मैं अपनी चीज़ें, हम लोग, मैं और मेरा भाई, हम अपने घर से चीज़ें लेके जाते थे, बॉल, बैडमिंटन रैकेट, शटल कॉक, बैट, बॉल, सब लेके जाते थे. वी यूज टू प्ले, और बच्चे उन चीज़ों की लालच में हमारे पास खेलने आ जाते थे कि अरे इसके पास तो बैट बॉल है, चलो इसके साथ खेलते हैं, अरे इसके पास फुटबॉल है, चलो चलो हम भी फुटबॉल खेलते हैं. उस लालच में बच्चे आते थे. सो ये दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत, व्हेन आई वाज, मैं स्कूल में भी ही थी तभी मैंने रियलाइज कर लिया था कि दिस इज वन वे कि लोग मेरे पास आए कि हमें खिलाओ, कि तुम मुझे खिलाओ. तो मेरे भाई को, अब मेरा भाई है तो वो तो खेलेगा ना मेरे साथ. तो दैट वॉज माई ट्रिक
यूज इट. पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम हम जाते हैं बट कोई हमारे बच्चे को खिलाता नहीं. चिल्ड्रन आर नॉट दैट पेशेंट. यस दे विल नॉट बी. नोबडी वेट्स फॉर एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. यू विल हैव टू डिवाइस योर वेज. आपको अपने तरीके निकालने पड़ेंगे. तो लेके जाइए सामान, लेके जाइए. रैकेट टूटेगा, बॉल गुम जाएगी, शटल कॉक गुम जाएगी, फुटबॉल डिफ्लेट हो जाएगी, वो सब चीज़ें होंगी. दैट्स ओके, दैट्स ओके. मेरे मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा हमारे लिए गार्डनिंग सेट लेके आए थे, बड़ा सुंदर वुडन गार्डनिंग सेट. एंड बड़ा प्राइज्ड पोजेशन था वो मेरा, बहुत अच्छा लगता था मुझे. बट वो भी मैंने निकाल दिया कि हाँ मैं ये लेके जाऊंगी ना तो आएंगे दूसरे लोग कि अरे हम भी करते हैं. और उसमें मेरे भाई को भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी एक ग्रुप की. सो यू नो दिस इज समथिंग जो इम्बाइब किया गया है हमारे अंदर हमारी माँ द्वारा. तो आप भी अगर आपके पास एक सिबलिंग है, बड़ा छोटा कोई भी, उसमें ना बचपन से इम्बाइब कीजिए कि देखो ये बच्चा, अगर तुम इसके भाई बहन नहीं हो, तुम इसके यंगर पेरेंट हो. मैं मेरी भाई की छोटी माँ हूँ, आज भी हूँ. तब भी थी जब मैं इतनी छोटी थी, समझ भी नहीं थी मुझे, तब भी मेरे पे वो जिम्मेदारियां डाली जाती थी. राइट. सो इन आप ही को अपने बच्चे का शैडो प्लेमेट बनना पड़ेगा. और अगर आपके बच्चे का कोई सिबलिंग है, इन्वॉल्व कीजिए उसको. नहीं नहीं मैम उसका प्ले टाइम खराब हो जाता है, वो नहीं खेल पाता बेचारा. व्हाट बेचारा? नो बेचारा, नो नो, क्या बेचारा, जो भी है ठीक है ना, ये तुम्हारी फैमिली है. यू हैव टू लर्न टू लिव विद दिस, एक्सेप्टेड एंड बी हैप्पी प्राउड अबाउट इट. राइट. सो बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि आपको उसको खिलाने के लिए खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा. और जब और बच्चे खेलेंगे ना तो वो आपके बच्चे को एज अ स्पेशल चाइल्ड नहीं ट्रीट करेंगे, वो उसको उसको किसी भी और बच्चे के जैसा ट्रीट करेंगे. इन दैट प्रोसेस आपके बच्चे को धक्का लग जाएगा, कभी चोट लग जाएगी, वो गिर जाएगा, उसको स्क्रैचेस आ जाएंगे. बच्चे कोई बच्चा गुस्सा कर दिया, झगड़ा हो गया, ये सब होगा, उसके लिए भी रेडी रहिएगा. डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव. आप एक अगर आपके बच्चे को फाइनली एक ग्रुप मिल गया जहाँ वो खेल रहा है, तो थोड़ा सा उसकी एक डिस्टेंस की हाँ, लेट हिम बी, लेट हिम लर्न कि मैं क्या करूँ, कैसे इन बच्चों के साथ इंटरैक्ट करूँ. अगर कोई मुझे धक्का मार के चला गया है तो मैं खुद को कैसे संभालूँ. अगर मैं गिर गया हूँ तो मेरी माँ नहीं आएगी मुझे संभालने के लिए हर बार, मैं खुद ही उठ के वापस, आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. राइट. सो अगर आप उस लेवल तक आ गए कि आपके बच्चे के साथ और बच्चे खेल रहे हैं, तो इन चीज़ों से अफेक्ट मत होइएगा, या इस प्रोसीजर को छोड़िएगा मत कि नहीं नहीं मैं नीचे लेके जाता हूँ तो कोई उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, उसकी आँख में मिट्टी चली जाती है, अरे उसको धक्का मार देते हैं, वो गिर जाता है. दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. प्लीज़ अपना जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है ना हमारी, ये थोड़ा दूर रखिए हमारे बच्चों से. नो, ठीक है. जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं ना पेरेंटिंग के, जैसे आप और मैं बड़े हुए हैं, वो सही तरीके हैं. तो बेसिकली पेरेंट्स, नंबर वन, इंडिपेंडेंट प्ले में बच्चे को सुपरवाइज कीजिए, सिखाइए कैसे खेलना है, फिर उसको वो चीज़ इंडिपेंडेंटली लीजिए. नंबर टू, सोशल प्ले में जहाँ एक ग्रुप के साथ खेलना है, सबसे पहली चीज़ ग्रीटिंग सिखाइए. नमस्ते 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 नमस्ते, हाय, हेलो 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 हेलो, बाय 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 बाय, बार 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 बार. नेक्स्ट थिंग, अपने बच्चे का शैडो प्लेमेट बनिए. बच्चा खेल रहा है क्रिकेट, वो हमारा बच्चा बॉल फेंकेगा, खड़ा हो जाएगा, फिर वो अपना स्टिम करेगा. वहाँ आप खड़े रहने चाहिए कि नहीं नहीं चलो अलर्ट रहो, देखो बॉल आ रही है, लग जाएगी, ध्यान दो, चलो भागो भागो, आपको भागना पड़ेगा उसके साथ. तो उसको वो रूल्स की वेटिंग टाइम क्या है, टर्न क्या है, अब बॉल आ रही है, तुम्हारा रोल क्या है. हमारा बच्चा बॉल उठाएगा कहीं भी फेंक देगा, वो सामने वाला बच्चा चिढ़ जाएगा, है ना. तो अलर्ट रहना पड़ेगा हमें कि नहीं नहीं बॉल उठाया, उसको उसको फेंको, उसको फेंको. बार 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 समझ आती है बच्चों को, दे लर्न टू प्ले.
बट उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, राइट। नंबर थ्री, सिबलिंग है तो उसको अपने बच्चे का शैडो प्लेमेट बनाइए। नंबर फोर, अपनी चीज़ें लेके जाइए, अपना सामान, अपने बॉल, कॉक, शटल कॉक, बैडमिंटन रैकेट्स, फुटबॉल, अपना सामान लेके जाइए टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन टू कम टू यू, राइट। एंड द लास्ट पार्ट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन द प्रोसेस ऑफ प्ले, जब बच्चे को थोड़ी बहुत चोट लग गई, गिर गया, जस्ट लेट इट बी, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, राइट। सो लेट देम लिव देयर चाइल्डहुड करेक्टली, करेक्टली, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं, नो प्लीज नहीं, राइट पेरेंट्स। सो यूज दीज स्टेप्स एंड प्रैक्टिस इट प्रैक्टिकली ऑन द फील्ड, गार्डन जब लेके जाइए तब ये चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए। ये फर्स्ट हैंड, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रही हूँ मैं, ये इसमें मैंने किसी का इनपुट नहीं लिया, ये मैंने जो किया एज अ बहन वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से ही वो सीख पाएंगे कि कैसे खेलना है, राइट पेरेंट्स। और प्लीज़ प्ले को इम्पोर्टेंस दीजिए, जितना इम्पोर्टेंस थेरेपी को, हॉबी क्लास को, स्कूल को देते हैं ना, उतना ही इम्पोर्टेंस प्ले टाइम को ज़रूर दीजिए, राइट। प्लीज़ शेयर द वीडियो, लेट अस नो योर फीडबैक, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट द शक्ति स्प्रेड। विजय भव, तथा अस्तु। नमस्कार।